हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 12390 चेन्नई एगमोर गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 12390 चेन्नई एगमोर गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन तमिलनाडु के चेन्नई एगमोर से बिहार के गया जंक्शन तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर मंगलवार को चेन्नई एगमोर से सुबह 7 बजे चलती है और हर बुधवार को गया जंक्शन पहुंचती है। इस ट्रेन को चेन्नई एगमोर से गया जंक्शन तक के 2345 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 39 घंटे का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 16 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए गया जंक्शन पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खानपान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार, ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन दोनों टाइप के लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव से चलती है चेन्नई एगमोर से गया जंक्शन तक। ये ट्रेन चेन्नई एगमोर से इटारसी जंक्शन तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है और फिर इटारसी जंक्शन से गया जंक्शन तक डीजल लोकोमोटिव से चलती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 4 जनरल क्लास वाले कोच, 10 स्लीपर क्लास वाले कोच, 3 थर्ड एसी क्लास वाले कोच, 2 सेकेंड एसी क्लास वाले कोच और 1 पेंट्री कार वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होता है। फ्रेंड्स, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है। आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजीशन क्या होती है। ये ट्रेन चेन्नई एगमोर से छूटने के आधे घंटे पहले स्टेशन पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूं कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर गया जंक्शन पहुंचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये ट्रेन चेन्नई एगमोर से हर मंगलवार को सुबह 7 बजे चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट नेल्लोर, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:18 पर पहुँचती है और 10:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट ओंगोल, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:49 पर पहुँचती है और 11:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट विजयावाड़ा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 2:20 पर पहुँचती है और 2:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट वरंगल, यहाँ पर ट्रेन शाम 5:30 पर पहुँचती है और 5:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवा हॉल्ट बलहरशाह जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 9:25 पर पहुँचती है और 9:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट नागपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 12:50 पर पहुँचती है और 12:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट इटारसी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6 बजे पहुँचती है और 6:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट जबलपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:30 पर पहुँचती है और 9:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नवा हॉल्ट कटनी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:55 पर पहुँचती है और 11 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है।
इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट सतना जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12:30 पर पहुँचती है और 12:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट मानिकपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 2:38 पर पहुँचती है और 2:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम 6:35 पर पहुँचती है और 6:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट भभुआ रोड। यहाँ पर ट्रेन शाम 7:21 पर पहुँचती है और 7:22 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट सासाराम जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम 7:54 पर पहुँचती है और 7:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट देहरी ऑन सोन। यहाँ पर ट्रेन रात 8:11 पर पहुँचती है और 8:13 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट गया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 10 बजे पहुँचती है। गया जंक्शन इस ट्रेन का डेस्टिनेशन हॉल्ट है या फिर आप इसे अंतिम स्टेशन भी कह सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने इस ट्रेन के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, क्योंकि जितने भी स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए ये ट्रेन गया जंक्शन पहुंचती है। हर स्टेशन से अलग अलग टाइप का किराया होता है और बहुत सारी श्रेणियों में भी होता है। अगर मैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है। लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन रेलवेज़ के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन रेलवेज़ की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। फ्रेंड्स, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।